हाय एवरीवन, मेरा नाम है राज और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ ब्यूटीफुल सा एक 2 BHK रेडी बजेशन पे नियर बाय स्टेशन। वीडियो के एंड तक जरूर देखना, प्राइस और एरिया भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल रोड टच प्रॉपर्टी है, G+3 का बिल्डिंग है, लेकिन लिफ्ट है इस बिल्डिंग पर। जी हाँ दोस्तों, लिफ्ट है इस बिल्डिंग पर। फ्रंट पे आपका कमर्शियल, बैक साइड में आपका पार्किंग रहेगा। बिल्कुल रोड टच प्रॉपर्टी, स्टेशन से ओनली 6-7 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में यह प्रॉपर्टी। बिल्डिंग का जो नाम है रिद्धि सिद्धि बिल्डिंग का नाम है। ऑलरेडी मैं इस बिल्डिंग का एक 1 BHK फ्लैट दिखा चुका हूँ आप सभी लोगों को। अगर अभी तक आपने नहीं देखा, उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा या फिर इस वीडियो का एंड में आपको उस वीडियो को भी देखने के लिए मिल जाएगा। ये रहा इसका मेन गेट। ये जो प्रॉपर्टी है ये नेरल ईस्ट में है, स्टेशन से अगेन 6-7 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में यह प्रॉपर्टी। जिन्हें नेरल के बारे में नहीं पता उन सभी को मैं बता देता हूँ। नेरल जो है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, तालुका जो है कर्जत है और स्टेट जो है महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, अगेन ये जो प्रॉपर्टी है ये नेरल में है। ये बैक साइड का आपका पूरा पार्किंग एरिया रहेगा, स्टिल आपका पार्किंग। फ्रंट पे आपका कमर्शियल रहेगा। ये रहा इसका लिफ्ट। अगेन G+3 का बिल्डिंग है, रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, OC रिसीव पोजीशन भी दे चुका है। तो आइए सीधा चलते हैं ऊपर की तरफ। तो दोस्तों, आप मैं आ चुका हूँ बिल्कुल फ्लैट का सामने। सामने की तरफ है हमारा 860 स्क्वायर फीट का 2 BHK रेडी पोजीशन। ये रहा इसका लिविंग। एक बार आप लिविंग का साइज देख लीजिए, ब्यूटीफुल सा लिविंग। फाइनल कलर करके आपको दे दिया जाएगा क्लीनिंग करके। ये रहा इसका सीलिंग पोजीशन के वक्त। सामने की तरफ है आपका बालकनी, 6x8 का विंडो रहेगा। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल रोड टच प्रॉपर्टी है। ये जो फ्लैट है ये आपको सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पर आपको 2 BHK और 1 BHK दोनों ऑप्शन है रेडी पोजीशन पे। ये रहा आपका मेन रोड, ये सीधा स्टेशन के लिए जाते हैं। सारे ज़रूरी सामान आपको बिल्डिंग से 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में ही मिल जाएगा। ये रहा आपका लिविंग। बात कर लेते हैं लोन, 90% तक लोन हो जाएगा, ओनली 10% आपको डाउन पेमेंट पे करना पड़ेगा। इस तरफ है आपका किचन। ये रहा कुछ इस तरीके का आपका किचन रहेगा। किचन मुझे थोड़ा सा निराश किया, बाकी आप देख लीजिए किचन का साइज़। सामने की तरफ है आपका प्लेटफॉर्म, पूरा वॉल टू वॉल टाइल सीलिंग लेवल तक। एल शेप में आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म दिए गए हैं, ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म। स्टील का सिंक रहेगा, पानी का कोई दिक्कत नहीं है। पानी आपको यहाँ पर 24 आवर्स मिल जाएगा, ग्राम पंचायत कनेक्शन, पीने का पानी, वेंटिलेशन के लिए 4x4 का विंडो। इस तरफ है आपका बेडरूम, लंबा सा पैसेज। राइट में है बेडरूम, लेफ्ट में है आपका बाथरूम। एक में आपको वेस्टर्न, एक में आपको इंडियन मिल जाएगा। पूरा वॉल टू वॉल टाइल्स रहेगा सीलिंग लेवल तक। इस तरफ है आपका बेडरूम। ये रहा, ये आपका फर्स्ट नंबर बेडरूम। ये रहा इसका सीलिंग। सामने की तरफ है आपका बालकनी। ये रहा, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ये रहा इसका सीलिंग। इस तरफ है आपका सेकंड नंबर बेडरूम, जो कि आपका मास्टर बेडरूम रहेगा। ये रहा, यहाँ से आपका डोर स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप एंट्री करेंगे, लेफ्ट में आपका सेकेंड नंबर बाथरूम रहेगा। यहाँ पर आपको वेस्टर्न लगा कर दिए जाएंगे। पूरा वॉल टू वॉल यहाँ पर भी टाइल्स, गीजर के लिए भी पॉइंट है अंदर। और ये रहा आपका सेकेंड नंबर बेडरूम। दोनों ही बेडरूम और लिविंग आपका फ्रंट पे रहेगा। अगेन सेकेंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर, आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फ्लैट चूज़ कर सकते हो। दोनों ही फ्लैट का साइज़ एक जैसे है, 860 स्क्वायर फीट का रहेगा 2 BHK फ्लैट। ये रहा आपका बाहर का व्यू। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके डिमांड। यहाँ पर आपको 2 BHK विथ रजिस्ट्रेशन 25,50,000 में मिल जाएगा। प्राइस थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है, ऑन टेबल रहेगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके कुछ सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।